पहला क्वेश्चन एनालॉजी ऑफ ब्लिस्टर स्किन। ब्लिस्टर जो है वो स्किन का एक इन्फेक्शन है, इसी तरह जो स्टाई जो है वो आई का एक इन्फेक्शन है। मैंने नीचे लिखा भी है कि ब्लिस्टर इज एन इन्फेक्शन ऑफ स्किन, सिमिलर स्टाई इज एन इन्फेक्शन ऑफ आई। तो इधर आपके पास बी जो ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट ओवरडोज प्रिस्क्रिप्शन, इसका जो राइट आंसर वो अगेन आपके पास बी इनडिस्क्रिशन कॉन्वेंशन है। एक होता है कॉन्वेंशन बिहेवियर, दूसरा होता है इनडिस्क्रिशन बेरहरवी। तो इसलिए आपके पास ये जो बी ऑप्शन है वो ठीक है। नेक्स्ट हॉर्स स्टेबल, अच्छा हॉर्सेस का जो घर होता है उसको स्टेबल कहते हैं, इसी तरह जो बर्ड्स का घर होता है उसको एवरी कहते हैं। तो इसलिए आपके पास ये बर्ड्स एवरी ठीक आंसर है इसका। उसके बाद कुछ एंटीनम्स थे, कनकॉर्ड का डिसएग्रीमेंट था, कनकॉर्ड कहते हैं एग्रीमेंट को। तो इसका राइट आंसर यानी एंटीनम यानी ऑपोजिट डिसएग्रीमेंट था, डिसऑनेस्टी का ऑनेस्टी था, ऑप्रेस का रिजॉइस था। तो ये कुछ एंटीनम्स थे और ये उसके आंसर्स हैं। फिर मैथमेटिकल के जो क्वेश्चन थे, फाइंड एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक एट 9 o'clock। इसका जो फार्मूला है वो आपके पास 30h-5.5m है। h जो है वो आवर हैंड है, m जो है वो मिनट हैंड है। अब 9 o'clock है तो h की जगह मैं 9 लिखूंगा और मिनट मेरे पास 0 है। तो ये 30 × 9 आपके पास 270 डिग्री आ गया। आप देख सकते हैं कि डिग्री बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड आपके पास 270 डिग्री है। तो इसका राइट आंसर 270 डिग्री है। अच्छा अगर आप देख सकते हैं इसका आंसर आपके पास 90 भी आ सकता है, अगर आप इस मिनट हैंड से आवर हैंड तक का जो एंगल है वो ले लें तो फिर आपके पास जो राइट आंसर होगा वो 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट द एवरेज एज ऑफ 4 स्टूडेंट्स इज 8 ईयर्स, ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 8 ईयर्स, इफ एज ऑफ देयर टीचर इज इंक्लूडेड इट बिकम्स 10 ईयर्स, वट इज द एज ऑफ द टीचर इन ईयर्स। अच्छा पहले एवरेज एज जो स्टूडेंट्स है वो गिवन है कि 8 ईयर्स हैं। तो एवरेज का हमें फार्मूला पता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ इधर स्टूडेंट्स होगा, सम ऑफ एजेस ऑफ स्टूडेंट्स हो जाएगा इधर, डिवाइडेड बाय एन हो जाएगा। एन क्या चीज़ है, आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। ठीक है जी, तो पहले स्टूडेंट्स का निकालते हैं। अब आपको गिवन है कि एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स इज 8, ये आपके पास वही सम है, इसको मैं एस से डिनोट कर लेता हूँ। एन आपके पास कितना है, वो आपके पास 40 है। तो विच इम्प्लाइज 40 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एस इज इक्वल टू 40 × 8 जो कि आपके पास 320 आता है। ठीक है, सम ऑफ एजेस ऑफ स्टूडेंट्स को हमने एस से डिनोट किया था, तो सम ऑफ एजेस ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास आ गया है जी 320। ठीक हो गया। अच्छा अब जब टीचर एज भी इंक्लूड हो गया तो 40 + 1, अब आपके पास जो एन है वो 41 आ जाएगा। एन कितना आ जाएगा, 41 आ जाएगा, 40 स्टूडेंट्स है, टीचर 1 है तो 41 आ जाएगा। अब अगेन आप एवरेज का फार्मूला लिखे, लेकिन अब आपके पास सम ऑफ एजेस ऑफ स्टूडेंट्स एस प्लस एज ऑफ टीचर है। एज ऑफ टीचर को चले मैं एक्स से डिनोट कर लेता हूँ, एक्स इज इक्वल टू एज ऑफ टीचर। ठीक हो गया। अगेन मैं वही जो आपके पास फार्मूला है एवरेज का वही यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, एस प्लस एक्स डिवाइड बाय 41 हो जाएगा जब टीचर भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है जी, ये 40 स्टूडेंट्स के लिए था जिसमें टीचर एक्सक्लूडेड था, अब टीचर भी इंक्लूड हो गया तो टोटल एन आपके पास 41 हो गए। और सम ऑफ एजेस अब कितने हो जाएंगे, जो सम ऑफ एजेस ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसके साथ साथ टीचर का जो एज है वो ऐड हो जाएगा। अच्छा वो कह रहे हैं कि फिर जो एवरेज है वो 10 आ जाती है, तो इधर आपके पास 10 आ गया, तो ये एस प्लस एक्स को मैं एक्स कह लेता हूँ, एस प्लस को मैंने एक्स कहा हुआ है, ये 41 आ गया। तो एस प्लस एक्स इज इक्वल टू 41 × 10 आपके पास 410 आ गया। अब देखिए एस की वैल्यू हमें पहले से पता है 320 है, तो 320 + x इज इक्वल टू 410 विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 410 − 320 जो कि आपके पास 90 आता है, यानी कि 90 ईयर्स। एक्स क्या था, एज ऑफ टीचर। इस तरह हमने एज ऑफ टीचर फाइंड कर लिया जो कि आपके पास 90 ईयर्स है। नेक्स्ट एरिया ऑफ अ सर्कल इफ डायमीटर इज 14 cm। अच्छा जब डायमीटर 14 cm है तो आर इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाई 2 होता है, आर रेडियस को स्टैंड करता है, तो आपके पास रेडियस 7 cm हो गया। अब एरिया ऑफ सर्कल आपके पास है जी पाई आर स्क्वेयर, तो पाई इंटू 7² जो कि आपके पास 49 पाई आ जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है एरिया ऑफ सर्कल हुज डायमीटर इज 14 cm, वो आपके पास 49 पाई आ गया।
पेपर में कोई भी डायमीटर आपको गिवन होगा, आपने यही मेथड यूज करना है और आंसर निकाल लो. 5, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स. अच्छा, इस तरह के क्वेश्चंस हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं. ये एक फार्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आपके पास बराबर होता है LCM मल्टीप्लाई बाय HCF के. ठीक हो गया जी. ज़्यादातर आपको एक नंबर दिया होता है, आपने दूसरा नंबर फाइंड करना है, लेकिन इस केस में जो आंसर है सॉल्व करना है वो और ही आसान है, क्योंकि आपने सिर्फ प्रोडक्ट ही फाइंड करना है. तो LCM मल्टीप्लाई बाय HCF आपने करना है. 107 700 आता है, 5 7 35 आता है, तो इसका आंसर आपके पास 735 आ गया. नेक्स्ट, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 64 डिवाइड बाय 256. अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म के लिए पहले आप दोनों को 2 पे डिवाइड कर लें, ये आपके पास 32 डिवाइड बाय 128 आ जाएगा. अगेन 2 पे डिवाइड करें तो ये 16 बाय 64 आ जाएगा. ठीक है, अगेन 2 पे करें 8 बाय 32 आ जाएगा. ठीक है, और अगेन 2 पे करें तो 4 बाय 16. ठीक हो गया. एंड फाइनली जब आप इसको 4 पे ही डिवाइड कर लें, या 2 पे दो दफ़ा करते हैं फिर भी ठीक है, 4 पे ही कर लें, तो ये आपके पास 1 बाय 4 आ गया. तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो आपके पास 1 बाय 4 है. नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ 2 डजन एग्स इज 96. अच्छा, डजन में आपके पास 12 एग्स होते हैं, तो 2 डजन में 12 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 डजन हैं तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया, क्योंकि डजन में 12 होते हैं, तो ये 24 एग्स हो गए. यानी कि 24 एग्स की कीमत आपके पास है जी 96 रुपीस. ठीक है, 96 आरएस. अब वो कह रहा है कि 1 एग की कितनी होगी, तो 1 एग आप फाइंड करने के लिए 96 डिवाइड बाई 24 कर लें. ठीक हो गया. अगेन ये दोनों आपके 4 के टेबल में आ सकते हैं, तो ये आपके पास 6000 हो जाएगा, ये आपके पास 24 आ जाएगा. ये 24 डिवाइड बाई 6, और अब 6 के टेबल में दोनों आ सकते हैं, तो 6 1 6 और 6 4 24. यानी कि 4 रुपीज़ एक एग की कीमत है. अगर दो दर्जन अंडे आपको 96 रुपीज़ में मिल रहे हैं, 24 अंडे आपको 96 रुपीज़ में मिल रहे हैं, तो एक अंडा आपके पास 4 रुपीज़ हैं. थ्रोंग पीपल का आपके पास स्वार्म इंसेक्ट्स आता है. थ्रोंग कहते हैं क्राउड को, क्राउड ऑफ पीपल को. इसी तरह स्वार्म ऑफ इंसेक्ट्स होता है, इंसेक्ट्स के ग्रुप को आप स्वार्म कहते हैं. अच्छा, रन वॉक का आपके पास ब्रीज वेंड हो सकता है, और बाकी भी आपके पास इसके कई आंसर्स हो सकते हैं. इस तरह इंसिपिड इन्वेंशन का आपके पास प्रोसेक इमेजिनेशन है. नेक्स्ट, लॉयर कार्ट रूम. अच्छा, लॉयर जो है ना वो कोर्ट रूम में काम करता है. इसी तरह ग्लेडिएटर जो है वो एरिना में फाइट करते हैं, तो इसमें आपके पास सी ऑप्शन ठीक है. डार्ट मिसाइल, डार्ट कहते हैं छोटे मिसाइल को. इसी तरह जो स्किप होता है वो छोटे बोट को कहते हैं, छोटे कश्ती को कहते हैं, तो इधर आपके पास ए ऑप्शन ठीक है. थैंक यू.